हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? मोस्ट वेलकम है। तो व्लॉग स्टार्ट करती हूँ और आज आपको दिखाती हूँ मैं इस रूम की कंडीशन। बहुत बिल्कुल बेकार हो चुकी है, देखिए बाहर से दिखाती हूँ मैं आपको एक बार। ये ऐसी क्यों हुई है, क्या हुआ, क्या रीजन हो गया है जो ऐसे सामान निकला है, वो भी बताती हूँ मैं आपको। तो देखिये स्टार्टिंग, ये देखिये अलमीरा और पूरे कमरे का, बाप रे, हर चीज पे बहुत धूल है। बेड भी बहुत बेकार हो चुका है, ये देखिए सब कुछ। और देखिए कितनी धूल है ड्रेसिंग पर, बेड पर। काफी मेहनत लगने वाली है इसको फिर से क्लीन करने के लिए। और देखिए अलमीरा, ये इधर से थोड़ी तोड़फोड़ की है पापा ने इस वाले रूम में, ये आपको दिख रहा होगा क्योंकि इसमें सेप रखी हुई थी, तो सेप देखिए निशान भी हुए हो रखे हैं, बिल्कुल फंस के आई हुई थी, तो पापा ने इसको बाहर निकाला है जिससे कि मतलब जंग वगैरह की दिक्कत हो जाएगी इसलिए। ये देखिए तो इस साइड से निशान पड़े हुए हैं, ये देखिए निशान पड़े हुए हैं जो कि फंसी हुई थी, तो इधर साइड से दीवार को तोड़ा है यहां से, तो उसके बाद अब साफ करेंगे। अभी अभी हटाया है सारा सामान यहाँ से, जो कचरा हुआ था वो सब, क्योंकि खराब हो जाती है, खराब हो जाती है क्योंकि सारी घर से बिल्कुल बेकार हो चुकी थी, हुई नहीं है अभी, स्टार्टिंग थी, होने लग जाती। देखिए यहां से थोड़ा जंग आने लग गया था, तो अभी घर में काम लगने वाला है ना, तो इसलिए पापा ने सबसे पहले इसी काम को किया है। तो थोड़ा प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होगी मुझे साफ करने में, चीज को बड़े अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा क्योंकि अंदर तक डस्ट गई हुई है अंदर तक। बेडशीट को मैंने नहीं हटाया क्योंकि अगर मैं बेडशीट हटाती तो फिर अंदर गद्दों में धूल जाती, और गद्दों को भी हटाती तो अंदर बेड में कपड़े रखे हुए उसमें सारी डस्ट जाती, तो इसीलिए बाहर निकाला नहीं था। देखते हैं, बहुत मुश्किल से मुझे देख देख के बस सर दर्द हो रहा है कि कैसे क्लीनिंग होगी, बहुत ज्यादा बुरी हालत है, पर कोई नहीं, करनी पड़ी। पूरे घर में गाटर पे, पंखों पे, एसी पे, सब पे बुरी तरह से हो चुकी है, पर करना पड़ेगा सारी दीवार वगैरह। पर अभी काम लगने वाला है घर में, तो साथ के साथ सफाई भी होती रहेगी, तो इसके चलते कुछ भी नहीं हो पा रहा है काम के चलते। तो देखिए इस रूम से निकलकर जा रहे हैं ना, तो सारे घर में धूल है, धूल बहुत बुरी हालत है धूल की। पोछा वगैरह कुछ नहीं, पोछा लगा लगाया सब बेकार हो चुका है। और बाहर थोड़ा रेत वगैरह डाला हुआ है क्योंकि काम लगा हुआ है बाहर। क्या कर रहे बेटे? और जी अब नहीं है बाबू, विवान ने दही बड़े खाए यार, विवान को और चाहिए। कपड़े भी गंदे कर लिए, देखो तो सारा, ये देखो, देखिए सारे कपड़े विवान ने गंदे कर लिए हैं। ये किस तरीके से, ऐसे कौन खाना खाता है, ये क्या तो किया है? यहाँ पर मैं रूम में आ गई हूँ, तो अभी थोड़ा ये मोटा मोटा जो डस्ट है इसको हटाऊंगी क्योंकि रूम को भी खाली करना है, अब पेंट वाले अंकल भी आने वाले है ना, तो इसीलिए, तो उससे पहले जो मोटा मोटा डस्ट है उसको करेंगे क्योंकि अभी पहले इसको धोना है। तो मम्मी आई थी यहाँ पर, कुछ दिखा रही थी शायद मेरे को, तो बस वही देख रही थी, और अभी धोना है तो मम्मी बोली कि सारी जो डस्ट है उसको हटाओ, सारी धोकर चली जाएगी, क्योंकि मशीन से थोड़ा, पापा ने मशीन चलाई थी ना, तो उसके उस वजह से सब में धूल चढ़ी हुई है, और सारे सामान को कवर भी कर देते तो पापा ने बताया नहीं था कि मैं वो मशीन चला रहा हूँ उस टाइम पर, प्रेजेंट कोई पास में नहीं था, तो बस बाद में पता चला जब धूल उठता देखा ना, तो तब पता चला कि हाँ ये काम हो गया। पापा को भी याद नहीं रहा कि मैं सामान को तुम कवर कर दो, तो बस यही मिस्टेक हो गई, उसकी वजह से सारे में धूल धूल हो गई है। तो कोई नहीं, हो जाएगा, ये तो डस्ट है सारा हट जाएगा, थोड़ा डीपली क्लीनिंग करनी होगी। तो यहाँ पर मैं कर रही बेडशीट हटाऊँगी, और वैसे बेडशीट काफ़ी मोटी थी ना, तो उसकी वजह से बेडशीट से पार डस्ट हुई नहीं है, देखिए गद्दे का कवर साफ निकला है, हल्का फुल्का सा गया है फिर भी, तो इनके मैं गद्दे के कवर भी हटाऊंगी,
तो साथ के साथ, वैसे डबल कवर हैं तो इसमें भी दिक्कत नहीं है, मम्मी ने डबल डबल कवर कर रखे हैं। एक जो कपड़े का ही मतलब साड़ी वगैरह होती है तो मम्मी ने सबसे पहले उसको चढ़ाया हुआ, उसके बाद अलग से कवर डाला है, तो ये भी सेफ है। तो अब इसको साफ करूंगी और उसके बाद अभी सारा सामान धीरे धीरे करके बाहर निकालना होगा। बेड तो नहीं निकलेगा रूम से बाहर, बेड को थोड़ा ऐसे ही रखेंगे बस, आगे करके कवर करेंगे। तो पापा भी आ गए, मम्मी भी आ गई है और साथ में पीहू भी है। पीहू जहाँ हम जाते हैं वहीं पीछे पीछे काम करने के लिए आती है। तो जो सामान है बाहर का वो भी बाहर रखेंगे, मम्मी की हेल्प ली है मैंने। अकेले से तो नहीं होता है इतना कुछ, तो सबको साथ में लगना पड़ता है। तो अभी कुछ सामान है तो बस वही जिस पर मैं जिसको मैं निकाल नहीं पाई हूँ, तो मम्मी बोल रही हैं कि ये सारा सामान पापा निकालेंगे, पापा बता रहे थे अभी। तो दिख रहे हैं आप सारा बुरी हालत हो रखी है, पर अभी धो जाएगा, धोने के बाद सारा साफ हो जाएगा। देखिए ऊपर से जो पोट वगैरह रखे थे वो सब पापा ने उतार दिए हैं ऊपर जाकर, और ये वाला अलमीरा की साइड में थे तो ये मैंने ही निकाल पाई थी, तो ये भी पापा ने पकड़ा दिए हैं। इसमें कुछ विवान का ही सामान रखा हुआ था, गाड़ियाँ वगैरह, विवान के खिलौने वगैरह, तो उसको भी जो सामान था वैसा मैं इसको सबको बेड पर ही रख दूंगी। गद्दे मैंने हटा दिए हैं, इनको रखने के बाद फिर इसको अच्छे से कवर कर देंगे, जैसे जो पेंट होगा ना तो पेंट के निशान नहीं पड़ेंगे, क्योंकि डस्ट तो हट जाएगी झड़ने के बाद, पर जो पेंट के निशान पड़ जाते हैं वो। बेटा तेरी मम्मा सुलावे ना, रात ना तेरे को मिट्टी में होगी सारी, सारे कपड़े चेंज करने पड़ेंगे इसके। अब पीहू आजे बेटा, आवे ना। हाँ नहीं आवे। तो पापा यहाँ पर अभी मस्त पाइप लगा दिया है, तो देखिए ऊपर से सारा ऐसे हिसाब से धो देंगे कि जो ये रेड रेड मिट्टी है ना ईंटों की, वो सारा निकल जाएगी, तो पेंट होने में भी आसानी रहेगी। तो मम्मी भी यहाँ पर लग गए हैं, मम्मी थोड़ा सामान बाहर निकाल रही हैं जो निकालने का है, तो पापा रगड़ रगड़ के सारी धूल निकाल देंगे पाइप से इस तरीके से। तो सोचा दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को किस तरीके से काम फैला हुआ है घर में इस टाइम पर, इसीलिए मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे हैं। मैंने हेयर वॉश किया है, मेरे हेयर भी गीले हैं तो मैं इनको सुखाती हूँ धूप में, और ऊपर मम्मी पीहू सब हैं। ओहो पीहू तो काम कर रही है, ये देखिए पीहू काम कर रही है मम्मी के साथ। अभी बैक कैमरा करती है, इसे खेल लग रहा है ये, नहीं पकड़े गए, उठा उठाए नहीं गए, मैं पकड़ाऊं पकड़ाऊं। ए लो औरत तेरी कराम से, और हमसे गिर गई, ओ नोजी पे लग गया। बस देखो देखो चला भी नजर आ रहा है बस थक गए बेटा, रेस्ट कर लो, अब रेस्ट कर लो, रेस्ट कर लो, बैठ जाओ बैठ जाओ, नीचे नीचे बैठ जाओ। और लाने ना, और नहीं लाते, माँ जी मना कर रही है। ओ तेरी, ओ देखो कितनी खुश हो रही है, देखो कपड़े गंदे हो गए बस, पीहू बस पीहू अब नहीं सुनेगी ये, किसी की भी नहीं सुनेगी। कहाँ जाएगी, इसके गाल देखो कितने लाल हो रहे धूप से।
तो देखिए पैंट वाले अंकल भी आ गए हैं। ये मैंने 2 दिन का मिला के व्लॉग बनाए क्योंकि इतनी बिजी हैं फिलहाल, काम इतना है कि मैं वीडियो बना ही नहीं पा रही हूँ काफ़ी। मेरे को लगता है शायद 4-5 दिन बाद मेरा वीडियो आने वाला है ये, तो अभी कुछ दिन ऐसा ही चलेगा, उसके बाद फिर देखती हूँ कंटिन्यू करूँगी मैं। तो यहाँ पर देखिए मुझे अब सारा काम ऐसे ही करना पड़ रहा है। अभी यहाँ पर आपने देख लिया घर में काम लगा हुआ है, तो यहाँ पर मुझे बनानी है कॉर्न चाट। तो देखिए यहाँ पर मैंने कॉर्न को बॉईल कर लिया है, तो अभी चाट खाने का मन हो रहा है सबका बहुत ज़्यादा, तो अभी बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से ही बनाऊंगी मैं, बिल्कुल अंधेरा हो रखा है घर में भी, सबका मुँह की हालत खराब है, देखिए सब जगह बुरी हालत है, कोई नहीं, पर घर फिर काफ़ी अच्छा लगने वाला है। तो अभी मैं बनाती हूँ, और लाइट वगैरह का सबका इशू हो रहा है, सुबह से मॉर्निंग से पानी भी नहीं है, लाइटिंग कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा लाइटिंग ही नहीं है घर में, घर में क्या कहीं पर भी नहीं है, पूरी रात निकल के तो लाइट नहीं आ रही है, तो इसकी वजह से पता नहीं आज कैसे कैसे काम होगा, कुछ पता भी नहीं है। तो चलिए बनाते हैं, घर की हालत मैंने आपको दिखा दी है, तो अभी चाट बनाती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ कैसे। तो आपको आवाज़ भी आ रही होगी फटफट की, तो यहाँ पर मैं थोड़े से कॉर्न डाल लेती हूँ। तो निकाली है कॉर्न, तो अब इसमें डाल दूंगी मैं, ज़्यादा नहीं, जो जितना सामान मेरे पास अवेलेबल था मैं उतना ही बना रही हूँ, उतना ही डालकर बनाऊंगी बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो काला नमक और सफ़ेद नमक दोनों डाल लिए हैं, उसके बाद चाट मसाला भी डाल लूँगी, और उसके बाद देखते हैं क्या डालते हैं। तो यहाँ पर मैंने लाल मिर्च भी डाली है थोड़ा, और मैंने पानी से नहीं निकाला था इनको क्योंकि ये गर्म रहेंगे ना, तो इसीलिए मैंने पानी में ही रखा था उनको। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच मेयोनीज डाला है, तो पानी से मैंने देखी छल्ली ली है, तो इससे पानी सारा नीचे निकल जाएगा, तब मैं डाल रही हूँ, क्योंकि एकदम से हवा निकल जाती है तो ठंडी हो जाती है, कौन इतना मज़ा नहीं आता खाने में फिर। तो इसको अच्छे से मिक्स करते हैं, तो देखिए चाट अच्छी बनी है, देखने में भी काफी अच्छी लग रही है। पीहू इधर, ए पीहू, करो पीहू इधर, पीहू पीहू इधर, कर डांस, पीहू डांस करो, हप हप करो।